दोस्तों 2024 के लिए कौन से तीन बेस्ट फंड रहेंगे लमसम निवेश करने के लिए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो अगले 5 मिनट में आप ये पता कर लेंगे कि तीन कौन से बेस्ट फंड हैं लमसम के लिए, जिसमें आप पैसे निवेश करके कम पैसे से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड में बात करें निवेश की, तो लमसम लोग सबसे ज़्यादा पैसे को निवेश करते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको लमसम में सबसे अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप सही प्लान नहीं पिक कर पाते हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो कौन से फंड के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आपको प्रॉफिट कमाना है या फिर कितने टाइम के लिए आप निवेश कर रहे हैं। अगर इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो आप कम पैसे से भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का, तो उसके लिए आप कम से कम कितने पैसे निवेश करके उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लमसम निवेश का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप कम पैसे से ही म्यूचुअल फंड्स में एक बड़ा फंड बना लेते हैं। क्योंकि बैंक एफडी में ब्याज दर इतनी मिलती नहीं है और एलआईसी में आपको सालों तक प्रीमियम जमा करना पड़ता है, उसके बाद भी आप एक बड़ा फंड नहीं बना पाते हैं। इसी का सॉल्यूशन आपको म्यूचुअल फंड्स प्लान का मिलता है, जिसमें आप कंपाउंड रिटर्न से कम पैसे से भी बड़ा फंड बना सकते हैं। तो हम तीनों फंडों को चेक करेंगे, इनकी सारी डिटेल्स देखेंगे और कैलकुलेशन करके समझेंगे कि अगर आपको 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना है तो यहाँ पर कितने टाइम में आप 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम आपके लिए जो फंड लेकर आए हैं उसमें पहला फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर फंड का ऑल टाइम का रिटर्न है 16.15% का। दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड की खासियत ये है, और दोस्तों ये हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, यानी कि यहाँ पर आपके पैसे को इक्विटी के अलावा डेट फंड में भी निवेश किया गया है। यही वजह है कि इस फंड ने लगातार स्टेबल रिटर्न काफ़ी बेहतरीन दिया है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की भी बात कर लें, तब भी फंड ने रिटर्न कंपाउंड 19.43% का, लास्ट 3 ईयर में भी फंड का रिटर्न 26.29% का, लास्ट 1 ईयर में 35% और लास्ट 6 मंथ में भी फंड ने 20.57% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कम से कम रिटर्न मिलता है तो लमसम में आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन यह है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, तो हम ये पहले चेक करते हैं कि इस फंड का जो पैसा है वो किन स्टॉकों में निवेश किया गया है और उनके अंदर आपको ग्रोथ मिल सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर स्टॉक हैं 309, यानी कि 309 स्टॉक। लेकिन यहाँ पर टॉप होल्डिंग में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको HDFC बैंक का एक बेहतरीन स्टॉक मिलता है, जो कि अभी अंडर वैल्यू स्टॉक है, और दोस्तों इसके अंदर आपको ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन मिल सकती है। क्योंकि बैंक अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में आपको एक ग्रोथ अच्छी दिखाई देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक बेहतरीन कंपनी है कोल इंडिया, इसके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। इसके अलावा NTPC और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉवरेन बॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पर आपके पैसे को डेट फंड में भी निवेश किया गया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। जबकि अगर हम होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर 59% पैसा, डेट फंडों में 28% और कैश के अंदर भी करीब 10% पैसे को यूज़ किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है, यानी कि ऐसी कंपनियों के अंदर जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, चाहे हम HDFC की बात कर लें या फिर SBI की। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि जो दोस्तों बेहतरीन सेक्टर हैं जिनमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, उन्हीं के अंदर पैसे को निवेश किया गया है। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो 73,348 करोड़ रुपये है, यानी काफ़ी बड़ा AUM है इस म्यूचुअल फंड का, और फंड की रेटिंग 5 है, जबकि NAV का प्राइस अभी करंट 467 रुपीज़ है। अगर आप लमसम निवेश नहीं करना चाहते हैं तो SIP के थ्रू आप 100 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड फंड हमारे पास है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, यानी कि यहाँ पर इस फंड का जो पैसा है वो लार्ज कैप कैटेगरी के जो बेहतरीन स्टॉक हैं उनमें ही पैसे को निवेश किया गया है। यही वजह है कि यहाँ पर इस फंड का जो रिटर्न है ऑल टाइम में वो काफ़ी बेहतरीन रहा है 16.56% का। जबकि अगर हम लास्ट 5 ईयर की भी बात कर लेते हैं तो फंड ने 18.42% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में 24.71% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में भी फंड का रिटर्न 34% से ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर इस फंड में जो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं वो 53 हैं। सबसे ज़्यादा पैसा HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लार्सन एंड टुब्रो के अंदर निवेश किया गया है,
यही वजह है कि इस फंड ने लगातार रिटर्न काफी बेहतरीन दिया है। यहाँ पर दोस्तों सारा का सारा पैसा इक्विटी के अंदर यानी कि 98% पैसे को इक्विटी में ही यानी शेयर मार्केट पे ही निवेश किया गया है। जबकि अगर हम इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर पैसे को निवेश किया गया है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन यानी कि काफी अच्छी सेक्टरों के अंदर पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई किया गया है। जबकि दोस्तों फंड का जो AUM है वो 20,217 करोड़ रुपए का है। फंड की रेटिंग 5 है जबकि फंड के करंट NAV का प्राइस 80 रुपीज यानी कि 80 रुपए है। दोस्तों थर्ड फंड हमारे पास है ICICI Pru का मल्टी कैप फंड, मल्टी एसेट फंड। ये भी दोस्तों मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है हाइब्रिड कैटेगरी का, यानी कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है और इसके अलावा कुछ पैसा डेट फंड में भी निवेश किया गया है। यही वजह है कि लगातार इस फंड ने जो रिटर्न है वो बड़े बड़े क्राइसिस को पार करने के बाद भी काफ़ी अच्छा दिया है और ऑल टाइम में फंड का रिटर्न 16.75% है। जबकि लास्ट 5 ईयर की बात करें हम तो फंड ने 19.79% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में 25.51% का रिटर्न और लास्ट 1 ईयर में फंड ने 25.72% का रिटर्न दिया है। जबकि दोस्तों फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर 130 यानी कि 130 स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। ICICI Bank स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा 6% पैसे को यूज़ किया गया है। इसके अलावा NTPC, मारुति सुजुकी इंडिया, HDFC Bank, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस ये टॉप 5 होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड प्लान की। जबकि यहाँ पर इक्विटी के अंदर 58% पैसा, कैश में 16% और डेट फंड में भी करीब 10% पैसे को यूज किया गया है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो 25% पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर 21%। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन में भी पैसे को डिवर्सिफाई किया गया है। दोस्तों अब बात आती है कैलकुलेशन की कि अगर आपको 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना है तो यहाँ पर आपको कितने पैसे निवेश करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों तीनों ही फंड के अंदर एवरेज रिटर्न 16% है। अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं यहाँ पर दोस्तों 10 साल के लिए तो इससे आप 4,41,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। जबकि 20 साल के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें आप 1 लाख निवेश करके 19 लाख रुपए का फंड और दोस्तों 30 साल में अगर आप 1 लाख निवेश करते हैं तो 85 लाख रुपये तक फंड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट है यहाँ पर बनाने का फंड 1 करोड़ रुपये का तो दोस्तों इसके लिए अगर आप 1,25,000 का निवेश करते हैं तो 1,07,00,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं। या फिर इसी फंड के अंदर अगर आप SIP शुरू करते हैं यानी मंथली बेसिस पर निवेश करना, यहाँ पर 3,000 रुपये की आप SIP स्टार्ट करते हैं, 16% का रिटर्न अगर आपको मिल जाता है तो 1 करोड़ रुपये का फंड यहाँ पर आप कम से कम टाइम यानी कि करीब 24 साल के अंदर बना सकते हैं। इसमें आप SIP के थ्रू 8,64,000 का निवेश करके लगभग 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 बेस्ट फंड थे जिसके अंदर अगर आप लमसम पैसे निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।